प्रदेश में तुमको आना पड़ेगा। सीए को सब टारगेट बनाने वालों होश में आओ, होश में तुमको आना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन देने वाला डिपार्टमेंट, रिफंड देने वाला डिपार्टमेंट, एक एक दो दो घंटे में अप्रूव करने वाला डिपार्टमेंट, नोटिफिकेशन के रिटर्न इस टाइम पे जाएगी, उसका वॉयलेशन करवाने वाला डिपार्टमेंट, और कुछ नहीं मिला। अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने स्केपगोट बनाया चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई को। आपने सुना होगा अभी कुछ दिन पहले एक आईएएस ऑफिसर झारखंड में कुछ करोड़ों रुपए मिले और उसमें हमारे एक सीए भाई का भी नाम आया। 8x8 की दुकान, उस दुकान पे डेली 1 करोड़ की सेल, और जीएसटी ऑफिसर ने विजिट करी और उसको रजिस्ट्रेशन दे दिया। उसकी आगे फूटी हुई थी 8x8 की दुकान पे करोड़ प्लस के अंदर। आप 1 करोड़ की सेल दिखा दो, मुझे नाम बदल दूंगा मैं अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट, हटा दूंगा अपने नाम से। ऊपर से प्रेशर है, हम नहीं जाएंगे, गवर्नमेंट का प्रेशर है। हम यहाँ 1000 चार्टर्ड अकाउंटेंट आईआईए के अगेंस्ट खड़े हुए थे, टीम सीए 50-60 लोग हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट गए वहाँ कैंपस पर, उनको डिटेन कर लिया गया। ये कहाँ का कानून है? उस जिनको अरेस्ट किया वहाँ उनके कपड़े उतरवा दिए डिपार्टमेंट में। क्या कभी ऐसा हुआ कि आप प्रोफेशनल को आप उनके कपड़े उतरवा रहे डिपार्टमेंट में? चालीस करोड़ के पेपर तो हमारे हाथ लग चुके हैं, 40 करोड़ के। मंथली बेसिस पे करप्ट ऑफिशियल इनोसेंट सीएस को ट्रैप करते थे। एक सर्टिफिकेशन जरूरी होता है जब एक लेवल से ऊपर का रिफंड होता है। हमारे इनोसेंट सीएस से सर्टिफिकेशन हुए, रजिस्ट्रेशन देने वाला डिपार्टमेंट, रिफंड देने वाला डिपार्टमेंट, एक एक दो दो घंटे में अप्रूव करने वाला डिपार्टमेंट, नोटिफिकेशन के रिटर्न इस टाइम पे जाएगी, उसका वॉयलेशन करवाने वाला डिपार्टमेंट, और कुछ नहीं मिला। अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने स्केपगोट बनाया चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई को। ऐसे ऐसे केस है, हम जा रहे हैं अब तो जहां पे रजिस्ट्रेशन हुआ मौके पे जाके देखते हैं 8x8 की दुकान, उस दुकान पे डेली 1 करोड़ की सेल, और जीएसटी ऑफिसर ने विजिट करी और उसको रजिस्ट्रेशन दे दिया। उसकी आगे फूटी हुई थी 8x8 की दुकान पे करोड़ प्लस के अंदर। आप 1 करोड़ की सेल दिखा दो, मुझे नाम बदल दूंगा मैं अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट, हटा दूंगा अपने नाम से। 1 करोड़ की सेल हो रही है 8x8 की दुकान से, और उस पर डिपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन दे रहा है। वो दुकान, वो फर्म 1 महीने के अंदर चले हुए नहीं हुआ, 3.5 करोड़ का रिफंड अप्लाई कर रही है, और उसको 1 घंटे में पास किया जा रहा है, और कसूरवार सीए है, स्केपगोट सीए है। हेडलाइंस में सीए अरेस्ट हुआ, घोटाला सीए ने किया। ये जो भ्रष्टाचारी है उनको इतना तंग करके रखते कि वो बेचारे चुपचाप बैठे रहते हैं। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ उन अधिकारियों को भी कहूंगा, हम आपके साथ हैं, हम करेंगे पब्लिक, हम लेंगे नाम, हम करवाएंगे अधिकारियों को अंदर, हम उठाएंगे मिसाल। आपने सुना होगा अभी कुछ दिन पहले एक आईएएस ऑफिसर झारखंड में कुछ करोड़ों रुपए मिले और उसमें हमारे एक सीए भाई का भी नाम आया। मैं आज आपको बोलता हूं, पहली बात, हमारे सीए का काम ऑडिट करना है, हमारे सीए का काम एडवाइस करना है। अगर कोई ऐसा काम करता है तो हम उसके साथ नहीं खड़े, और वो सीए की कैपेसिटी में भी काम नहीं किया उसने। तो सबसे पहली बात तो है कि एक सीए ने ऐसा कोई काम किया वो बंद होना चाहिए। मैं मीडिया से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसी कोई बात आप उसके नाम से छापिए, बट ये काम सीए का नहीं था जो उसने किया। हमारा काम प्रोफेशनल कैपेसिटी में, अगर हमारे से कोई गलती हुई है तो वो बात आगे आए। वो अगर कोई ऐसा कोई गलत काम करता है तो वो सीए का काम है ही नहीं। जब भी 1000 चार्टर्ड अकाउंटेंट नॉर्मल मेंबर को अथॉरिटी हमारे साथ नहीं दी, सबने मना कर दिया, तो ऊपर से प्रेशर है, हम नहीं जाएंगे, गवर्नमेंट का प्रेशर है। हम यहाँ 1000 चार्टर्ड अकाउंटेंट आईआईए के अगेंस्ट खड़े हुए थे, टीम सीए, हमारे ऊपर भी प्रेशर आया, एक्शन हो जाएगा। हमने कहा कर दो एक्शन, जो होगा देखा जाएगा। नमस्कार, मैं ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं जनता आवाज। इस वक्त हूं मैं जंतर मंतर पर। जंतर मंतर पर आज हजारों चार्टेड अकाउंट की जो संगठन है टीम सीए, उन्होंने प्रोटेस्ट किया है, तो सीधा उन्हीं से जानेंगे क्या है पूरा मामला, क्यों यहाँ पर चार्टेड अकाउंट का जो संगठन है वो लोग एकत्रित हुए हैं। सर क्या नाम है आपका? सीए संतोष रामानुज जी। सर तो ये क्या मतलब, क्या डिमांड कर रहे हैं सरकार से? सर हम लोग बेसिकली एक सीए प्रोटेक्शन बिल की मांग कर रहे हैं कि आप लोग देखते होंगे जहाँ भी करप्शन होता है, चाहे वो बैंक का फ्रॉड होता है, जीएसटी डिपार्टमेंट की फ्रॉड होते हैं, इनकम टैक्स का फ्रॉड होता है, तो वहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को सॉफ्ट टारगेट माना जाता है। जहाँ पे कोई अरेस्ट के लिए उनको नहीं मिलता, वहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट को अरेस्ट कर लिया जाता है। पिछले वीक में भी ऐसा ही हुआ कि 15 करोड़ का रिफंड
जीएसटी ने चंद घंटों में कर दिए, 4 घंटे। आप लोग भी प्रोफेशनल है, मीडिया प्रोफेशनल है, आप लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते होंगे, जीएसटी आपको रिफंड में महीनों लग जाते होंगे। देखो, 4 घंटे में 15 करोड़ का रिफंड मिली भगत से डिपार्टमेंट वालों ने दे दिया, जो उस कंपनी को, जो बोगस कंपनी है, वो कंपनी फरार है। और जब उनके ऊपर इंक्वायरी बैठ गई मिनिस्ट्री से, तो उन्होंने क्या किया कि 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट जो सिर्फ एक सर्टिफिकेट, रिफंड सर्टिफिकेट जो कि पोर्टल पे टैक्स देख कर उन्होंने इशू किया है, उनको उन्होंने अरेस्ट कर लिया। तो हमारा यही मांग है, उस समय से ये प्रोटेस्ट चल रहा है पूरे ऑल ओवर इंडिया कि आप सॉफ्ट टारगेट बंद करो, अब बहुत हो गया, इनफ इज इनफ नाउ, है ना। आप टारगेट नहीं कर सकते, आप सॉफ्ट टारगेट नहीं कर सकते चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, आपको एक प्रॉपर SOP प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, आप CA इंस्टीट्यूट को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। आपका कहना सर ये है कि जो दोषी हैं, जो हकीकत में जिस डिपार्टमेंट के हैं, उनको मतलब उन पर कार्रवाई नहीं की जा रही है, CA को सॉफ्ट टारगेट बनाया जा रहा है। दो CA को उन्होंने अरेस्ट किया है, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ कि आप, अरे लेकिन एक प्रॉपर आपका प्रोसेस होता है, आप मीडिया प्रोफेशनल को भी करोगे तो मीडिया वाले, आप PTI को जाके इन्फॉर्म किया जाएगा, लेकिन आप डायरेक्ट उनको सम्मन भी इशू नहीं किया, उनको इंक्वायरी के बहाने उनको डिटेन कर लिया गया। 50-60 लोग हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट गए वहाँ कैंपस में, उनको डिटेन कर लिया गया। ये कहाँ का कानून है? उस जिनको अरेस्ट किया वहाँ उनके कपड़े उतरवा दिए डिपार्टमेंट में, क्या कभी ऐसा हुआ कि आप प्रोफेशनल को आप उनके कपड़े उतरवा रहे डिपार्टमेंट में? तो ये प्रोटेस्ट मतलब दिल्ली में ही है या ऑल पूरे ऑल ओवर इंडिया में? यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से लोग आए हुए हैं, हैदराबाद से लोग आए हुए हैं, पटना से आए हुए हैं, चंडीगढ़ से हैं, लुधियाना से हैं, पानीपत से, सोनीपत से, ऑल ओवर इंडिया से चार्टर्ड अकाउंटेंट आए हुए, और सब जगह ये प्रोटेस्ट चल रहा है, अलग अलग ब्रांचेस में, अलग अलग जगह लोग इकट्ठे होकर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इंडिया में हर एक CGST डिपार्टमेंट के बाहर, हर एक CGST डिपार्टमेंट के बाहर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बैठ के ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक्चुअली में एक जो हमारा CGST एक्ट है, CGST एक्ट 2017, उसका सेक्शन नंबर 69 है, 69 सेक्शन नंबर, ये कहता है कि एक प्रोसेस होता है हमेशा, कुछ भी किसी को, हम किसी भी, हमें कोई अरेस्ट करना हो किसी को भी, तो एक प्रोसेस के अकॉर्डिंगली हमें चलना पड़ता है। देयर शुड बी अ रीजनेबल एविडेंस टू अरेस्ट एनीवन। ओके, तो जो डिपार्टमेंट के पास है एक रीजनेबल एविडेंस होना चाहिए। ये नहीं कह रहे हैं कि आप अरेस्ट मत करो, आप अरेस्ट करो करो, लेकिन प्रोसेस को फॉलो करके। अभी सर ने बताया SOP को फॉलो करते हुए, SOP फॉलो नहीं होगी ना तो यहाँ पे और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी फेयर महसूस होगा। हम जब भी हमें कुछ एक बड़ा हमें जो बड़ी एक्टिविटी करनी होती है तो हमें सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं, सर्टिफिकेट पे साइन चाहिए होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के। चार्टर्ड अकाउंटेंट को ही आप डरा दोगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट से ही आप कह दोगे कि नहीं अब आपके बस की नहीं, आप मत करो, हम आपको अरेस्ट कर लेंगे, आपने कुछ भी एक्टिविटी करी आप अरेस्ट हो जाओगे, जहां पे चार्टर्ड अकाउंटेंट ही सेफ नहीं है। इस वजह से आप देख रहे हो हमारा जो मुद्दा है वहां पे, देखिए आप CA डिमांडिंग प्रोटेक्शन बिल, तो CA प्रोटेक्शन बिल हम चाह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमें प्रोटेक्ट भी तो करो। इस बिल में मतलब क्या डिमांड रखी है, क्या है इसमें शामिल? जितनी भी एक्टिविटी, जैसे अभी आप देख रहे हैं डायरेक्ट अरेस्ट कर लिया, डायरेक्ट अरेस्ट कर लिया, यहाँ पे और भी बहुत सारी एक्टिविटीज हुई। पीछे भी एक झारखंड में केस रहा जिसमें IAS का एक चक्कर था, जिसमें 17 करोड़ का केस था और चार्टर्ड अकाउंटेंट को अरेस्ट कर लिया गया। तो यहाँ पे हमारी डिमांड ये है कि एक बिल पास किया जाए जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट को स्टेप बाय स्टेप, जैसे और बिल्स होते हैं वैसे एक प्रोटेक्शन बिल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का भी होना चाहिए, CA को भी सेफ गार्ड चाहिए। तो क्या लगता है सरकार आपका शोषण कर रही है जो सरकार शोषण, सरकार की यहाँ पे हम नहीं कह रहे कि पूरी सरकार यहाँ पे गलत है, कुछ ऑफिसर्स हैं डिपार्टमेंट के, कुछ ऑफिसर्स हैं, हालांकि गवर्नमेंट ने अभी कुछ एक्शन भी लिया है। कमांड या एक्शन तो सरकार ही करवाती है, जो सरकार रूल देती है वही। देखिए आप देखते होंगे, आप देखते होंगे जब भी हम किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में जाते हैं तो वहाँ रिश्वत से काम होता है, तो पीछे सरकार तो नहीं। इस रिश्वत को रोकने का काम किसका है? इसका काम तो सरकार का ही है, लेकिन अब अंडर द टेबल आपका काम नहीं हो रहा है, आप डिपार्टमेंट में ऑफिसर हैं, आप मेरा काम नहीं कर रहे हैं, आप मेरे से कह रहे हैं भाई रिश्वत चाहिए मुझे, मैं आपका काम ही नहीं करूँगा, मैं कंप्लेंट कहाँ पे करूँ, और मैं कंप्लेंट करूँगा तो मेरी सुनवाई कहाँ है? मैं 1.5-2 साल कोर्ट में चक्कर काटते रहूँ और इतना वकीलों पर खर्चा कर दूँ, उससे सस्ता तो मेरे को रिश्वत देना बैठ जाता है। ये सिस्टम है, इसलिए भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, सस्ता महंगे का भ्रष्टाचार बढ़ रहा है ना। तो अगर मैं भ्रष्टाचार रोकूं तो मेरा काम ही नहीं हो रहा, मेरा काम ही नहीं हो रहा। इसी के खिलाफ तो सरकारों को ठोस मतलब कार्रवाई करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। एक बात बताइए, अमित शाह की बेटे की कंपनी शुरुआत से करोड़ों रुपए पहुंच जाती है, तो इसमें क्या लगता है सरकार का हाथ नहीं होगा? देखिए बिल्कुल, मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे करप्शन है, सीधा सीधा करप्शन,
कहीं कोई डर है कि सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो कोई एक्शन नहीं, नहीं, हम ये कहें एक्शन लेना चाहिए, लेकिन जो करप्शन है वो ठीक है, लेकिन निर्दोष जो है वो नहीं फंसना चाहिए। अब इसमें तो दो जो सीए भाई हैं उन्होंने पूरा अपने फैक्ट प्रेजेंट किए हैं, अपनी पूरी इंक्वायरी में सारी मदद की है, और आप उनको डिटेन कर लेते हो जो कि गलत है। जीएसटी डिपार्टमेंट पर कोई एक्शन नहीं लेते हो। ये प्रोटेस्ट सर किसके, कौन सी सरकार के खिलाफ है? देखिए हमारा नहीं मोदी सरकार के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। मोदी जी के इंटेंशन पे पूरी देशवासी 130 करोड़ का जो पॉपुलेशन है वो उनके साथ खड़ा है, इंक्लूडिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑल्सो, चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड हिज फैमिली। मेरा सिर्फ एक ही कंसर्न है कि किसी को सॉफ्ट टारगेट नहीं किया जाए। अगर इन्वेस्टिगेशन बैठता है तो किसी एक को अगर हमें पनिश करना है तो किसी एक को उठाएं और उसको हमने जेल दे दिया या कुछ इस तरीके का किया, वो नहीं हो। मैं आपको पूरी केस बताता हूं, जो भी गुरुग्राम का केस जो इतनी बर्निंग इशू बना हुआ है, ये दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट एक सर्टिफिकेट इशू किए हैं। जैसे आप कोई एडवोकेट के पास या सीए के पास जाते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर के, तो हम क्या करेंगे, आपसे दस्तावेज मांगेंगे। जो घटना हुआ, मान लीजिए आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट ने दिया, जीएसटी ऑफिसर ने दिया, उसमें सीए का कोई रोल नहीं है, बिलिंग क्लाइंट ने काटा, सीए कभी देखने भी नहीं गया। उसके बाद माल की डिलीवरी के समय ईवे बिल बनता है, ईवे बिल कौन बनाता है, क्लाइंट बनाता है, और अप्रूव कौन करता है, जीएसटी डिपार्टमेंट करता है। क्यों भाई, मैं सही बोल रहा हूँ? सही है। अब सारे प्रोसेस में जीएसटी डिपार्टमेंट है। अब क्या होता है कि एक हमारे यहाँ प्रोसेस है, जैसे थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन होता है तो हम लोग एक अपनी सर्विसेज देते हैं कि अगर कोई डॉक्यूमेंट्स हमें प्रोड्यूस किया तो ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स ये रिफंड एलिजिबल है या नहीं, सिर्फ हमें इतना ही बताना होता है। और यही काम मिलता जुलता एडवोकेट भी करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन है कि कभी भी सर्विसेज में डेफिशिएंसी हो सकती है, क्योंकि सर्विसेज का कोई बेंचमार्क स्टैंडर्ड एज सच डिफाइंड नहीं है। अगर है, मान लीजिए आपने देखा, आपने उसको अलग नज़रिए से देखा, प्रोफेशनल जजमेंट अलग किया, तो ये डिफरेंस और वेरियंस हो सकते हैं। हमारे दो सीए भाई ने इन्होंने यही किया, एक सर्टिफिकेट दिया, और पूरी प्रोसेस क्लाइंट का इंगेजमेंट है, पूरी प्रोसेस में डिपार्टमेंट का इंगेजमेंट है, फ्रॉम सेलिंग टू एंड। बट एंड ऑफ द प्रोसेस इन्होंने क्या किया, सीए को पूरे प्रोसेस का मास्टरमाइंड बनाते हुए अरेस्ट कर लिया और अपने ऑफिसर को ट्रांसफ़र कर दिया। सर देखिए, ट्रांसफ़र होने से आप फॉर द टाइमिंग तो बच सकते हैं, लेकिन इससे पब्लिक का कॉन्फिडेंस कम होगा। आप सीबीआई इंक्वायरी करवाइए, बी चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑलरेडी इफ आई एम कल्प्रिट। दो कंपनियां कौन सी हैं जिनका मतलब रिफंड किया गया है जीएसटी? नहीं, कंपनियां तो आठ है, और ये आपको डिपार्टमेंट के सारे ऑफिशियली, मैं किसी का क्लाइंट का नाम नहीं लेता, उनका प्राइवेसी होती है। एक बात बताइए, जो जीएसटी किसी का नाम नहीं कर सकते, जीएसटी रजिस्ट्रेशन दिया है तो जीएसटी जो रेस्टर्न डिपार्टमेंट है वो करवाते हैं, तो इसमें मतलब दूसरी सीए कहाँ से, इसमें तो गवर्नमेंट। मैं वही तो बताना चाह रहा हूँ कि सर कहते हैं ना कि हमारी कहीं कोई इंगेजमेंट नहीं, खफा तो इतनी तो फिर इसका दोषी तो उसका दोषी कौन है? दोष एक शब्द में यही है कि हम निर्दोष हैं। आप दोषी नहीं है तो दोषी कौन है, आपको किस पे शंका? सर इसका सीबीआई इंक्वायरी करा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सीबीआई पूरी इंक्वायरी कर ले, पूरी प्रोसेस को देख ले, नेक्सस देख ले, क्लाइंट का नेक्सस है, डिपार्टमेंट का नेक्सस है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का नेक्सस है, नेक्सस को एस्टेब्लिश कर ले और जो कल्प्रिट्स है। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग अगर अरेस्ट होंगे तो इंटायर पार्टीज को बिहाइंड द वार होना पड़ेगा। ये नहीं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट व्हाइट कॉलर है, आप उसे उठा के अंदर कर दिए, चूंकि वो सरकारी महकमे के बड़े ऑफिसर्स हैं, IRS अधिकारी हैं, तो उन्हें आप प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिए, ऐसा नहीं चलेगा। जी सर धन्यवाद। तो ये थे हम दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहाँ पर तमाम चार्टर्ड अकाउंट के संगठनों ने यहाँ पर मतलब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं ये तो कह रहे हैं कि चार्टर्ड अकाउंट के साथ में मतलब कोई गलत काम, गलत आरोप न लगाए जाएं, लेकिन एक तरफ से इनके जब प्रोटेस्ट पर नज़र डाली जाती है, इनके बयानों को देखा जाता है, तो कहीं ना कहीं इनके अंदर डर बना हुआ है, सरकार के खिलाफ खुलकर आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, न सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। खैर, इसमें मतलब कौन इसमें जिम्मेदार है और इस पूरी गड़बड़ी में किसका हाथ है, इस पूरी धांधली में, ये देखना अभी बाकी है। आप देखते रहिए जनता आवाज़। नमस्कार।